अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एनाटॉमी ऑफ पेल्विस पढ़ेंगे। ठीक है, तो पेल्विस बोन हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। तो क्या होता है, ये लोअर पार्ट ऑफ द ट्रंक है जो एब्डोमेन और लोअर लिम के बीच में होती है। ठीक है, द पेल्विस इज मेड अप ऑफ अ बोनी गिल्डर डेट हैज सेंट्रल कैनाल। बोनी गिल्डर होता है जिसके बीच में एक कैनाल होती है। ठीक है, द हिप बोन द कॉक्सल और कॉक्सल बोन फॉर्म द पेल्विक गिल्डर पोर्शन ऑफ द पेल्विस। ठीक है, हिप बोन या कॉक्सल बोन कहते हैं उसको जो वो गिल्डर बना रहा होता है। स्ट्रक्चर्स मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू ट्रांसफर द वेट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द स्पाइन टू द फीमर्स। ठीक है, द पेल्विस इज अ बोनी स्ट्रक्चर डेट इज फाउंड इन बोथ मेल एंड फीमेल स्केलेटन। ठीक है, ये क्या करता है, वेट को शिफ्ट करता है फ्रॉम अपर लिम फ्रॉम ट्रंक टू द लोअर लिम। ठीक है, बोन्स इसमें कौन कौन सी हैं, इनोमिनेट बोन्स होती हैं जो इलियम इशियम और प्यूबिस मिल के दो इनोमिनेट बोन्स बनाती हैं। ठीक है, फॉर्म्स द लेटरल एंड एंटीरियर वॉल जो लेटरल और एंटीरियर वॉल बनाती हैं। इसके अलावा सैक्रम और कॉक्सिक्स बोन्स हैं जो वर्टेब्रल कॉलम का पार्ट हैं और ये इसकी पोस्टीरियर वॉल बनाती हैं। ठीक है, अब पेल्विक ब्रिम क्या है, पोस्टीरियरली इसकी सैक्रल प्रोमोट्री होती है। ठीक है, ठीक है, सैक्रल प्रूडेंस होती है जिसको सैक्रल प्रोमोट्री बोलते हैं। उसके बाद एंटीरियरली सेम्फिसिस प्यूबस होता है, लेटरली इसके इलियोपेक्टिनियल लाइंस होती है। ठीक है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं पोस्टीरियरली सैक्रल प्रोमोट्री है, लेटरल बॉर्डर पर इलियोपेक्टिनियल लाइन्स हैं और एंटीरियर बॉर्डर पर सेम्फिसिस प्यूबस है। ठीक है, उसके बाद ट्रू पेल्विस है जो लेसर पेल्विस होता है उसको ट्रू पेल्विस बोलते हैं। ठीक है, और जो ग्रेटर पेल्विस होता है उसको फॉल्स पेल्विस बोलते हैं। ठीक है, ट्रू पेल्विस की कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होती हैं, पेल्विक इनलेट, पेल्विक आउटलेट और पेल्विक कैविटी। ठीक है, यहाँ पे देख लें, ये जो एक एप्पल डायमंड शेप जो बना हुआ है ये ट्रू पेल्विस है। ठीक है, अच्छा, फिर पेल्विक इनलेट अगर आप सबसे पहले डिस्कस करते हैं, तो पेल्विक इनलेट में कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होती हैं, इसकी बाउंड्रीज क्या होती हैं, एंटीरियरली सिम्फिसिस प्यूबिस होता है। ठीक है, पोस्टीरियरली इलियोपेक्टिनल लाइंस होती हैं और लेटरली सैक्रल सॉरी पोस्टीरियरली सैक्रल प्रोमोट्री होती है और लेटरली इलियोपेक्टिनल लाइंस होती हैं। ठीक है, इसको आप थोड़ा ठीक कर लेना। उसके बाद पेल्विक आउटलेट है, पेल्विक आउटलेट में नोचेज होती हैं। ठीक है, थ्री वाइड नोचेज होती हैं। एंटीरियरली कौन सी नॉच होती है, द प्यूबिक आर्च इज इन बिटवीन द इशियो प्यूबिक रेमाए बिटवीन द बिलो द सेम्फिसिस प्यूबिस। ठीक है, सेम्फिसिस प्यूबिस के नीचे एक प्यूबिक आर्च होती है। ठीक है, जो एंटीरियर नॉच बनाती है। ठीक है, और इसके अलावा लेटरली दो शियोटिक नॉचेज होती हैं विच आर डिवाइडेड बाई सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट एंड सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट्स। ठीक है, ग्रेटर और लेसर शियोटिक नॉचेज आप लोगों ने पढ़ी हुई है। ठीक है, तो लेटरली वो दो प्रेजेंट होती हैं और एंटीरियरली प्यूबिक आर्च की नॉच प्रेजेंट होती है। उसके बाद पेल्विक कैविटी क्या होता है, लाइज बिटवीन द इनलेट एंड द आउटलेट। ठीक है, पेल्विक इनलेट हम लोगों ने पढ़ लिया, पेल्विक आउटलेट पढ़ लिया, और पेल्विक कैविटी क्या है, इनलेट और आउटलेट के बीच एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको पेल्विक कैविटी कहते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट और कर्व्ड कैनाल है। ठीक है, इसकी एंटीरियर वॉल जो होती है वो शैलो होती है और पोस्टीरियर वॉल डीपर होती है। ठीक है, ये एंटीरियर पेल्विस था आपके पास। अब पोस्टीरियर पेल्विस जो होता है वो ग्रेटर पेल्विस होता है, पोस्टीरियरली इसके लंबर वर्टिब्रा होता है। ठीक है, लेटरली इलियक फोसा और इलियकस मसल होता है। ठीक है, और एंटीरियर वॉल क्या होता है, लोअर पार्ट ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल जो है वो फॉल्स पेल्विस की एंटीरियर वॉल बनाती है। ठीक है, ये इस डायग्राम में ये जो ग्रीन कलर में दिखाया हुआ है ये फॉल्स पेल्विस है। फिर पेल्विक वॉल्स कौन कौन सी हैं, एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, लेटरल वॉल और इन्फीरियर वॉल जिसको पेल्विक फ्लोर भी बोलते हैं। ठीक है, अब एंटीरियर वॉल में कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होती हैं, एक तो सबसे पहले ये है कि एंटीरियर वॉल शैलो वॉल होती है। ठीक है, और इसकी बाउंड्रीज कौन कौन सी हैं, इसके अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं जो उसको बना रही हैं, प्यूबिक रेमाए, ठीक है, सेम्फिसिस प्यूबिस और प्यूबिक बोन्स, ये तीनों चीज़ें मिलकर आपकी एंटीरियर वॉल बना रही हैं। ठीक है, एंटीरियरली जब भी आप पेल्विस को देखते हैं तो सामने की तरफ आपकी प्यूबिक बोन होती है। ठीक है, तो एंटीरियर वॉल बना रही है, पोस्टीरियरली इसके सैक्रम और कॉक्सिक्स है। ठीक, और साथ में पेरिफॉर्मिस मसल है और उसके ऊपर जो पेराइटल पेल्विक फेशिया है, ये सारी स्ट्रक्चर्स मिलकर आपकी पोस्टीरियर वॉल बना रही हैं। ठीक है, फिर लेटरल वॉल में क्या होता है, हिप बोन्स जो होती हैं, इनोमिनेट बोन्स जो हम लोगों ने पढ़ी हैं वो लेटरल वॉल बनाती हैं। इसके अलावा पेल्विक इनलेट जो है और पेल्विक इनलेट, ऑब्टुरेटर मेम्ब्रेन, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट, ऑब्टुरेटर इंटरनस मसल विद इट्स कवरिंग्स। ठीक है, ये सारी स्ट्रक्चर्स लेटरली प्रेजेंट होती हैं इनोमिनेट बोन्स के ऊपर, तो ये लेटरल बॉडीज बनाती हैं। ठीक है, अच्छा, फिर इन्फीरियर वॉल को डिस्कस करते हैं, तो इन्फीरियर वॉल असल में क्या होती है, जो पेल्विक फ्लोर होता है वो पेल्विक विसराज को सपोर्ट करता है और पेल्विक डायफ्राम से मिलकर बनता है। ठीक है,
इन ऑर्डर टू अलाउ फॉर यूरिनेशन एंड डिफिकेशन, ठीक है। अब यूरिनेशन और डिफिकेशन के लिए इसके बीच में गैप्स होते हैं जिनको टू होल्स होते हैं जिनकी अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है। कौन कौन से होते हैं उनको हायटिस बोलते हैं, ठीक है। वो जो दो ओपनिंग्स होती हैं ये होल्स होते हैं उनको हायटिस बोलते हैं। एक यूरोजेनिटल हायटिस होता है और एक एनोरेक्टल हायटिस होता है, ठीक है। यूरोजेनिटल हायटिस जो होता है एंटीरियरली सिचुएटेड गैप है विच अलाउज पैसेज ऑफ यूरिथ्रा एंड द वेजाइना इन फीमेल्स, ठीक है। यूरोजेनिटल हायटिस एंटीरियरली सिचुएटेड गैप है और ये किस लिए होता है, यूरिथ्रा और वेजाइना की पैसेज के लिए होता है, ठीक है। मेल में यूरिथ्रा और फीमेल में वेजाइना की पैसेज के लिए। और दूसरा इसका जो हायटिस होता है वो एनोरेक्टल हायटिस होता है जो कि सेंट्रली प्लेस्ड होता है और इसमें क्या होता है पैसेज ऑफ एनल कैनाल होती है, ठीक है। इस डायग्राम में आप ये पैसेजेस देख सकते हैं। उसके बाद फिर पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं। पेल्विक फ्लोर मसल्स में आपके पास लेवेटर एनाई मसल्स हैं, ठीक है, जो कि लार्जेस्ट कंपोनेंट होता है पेल्विक फ्लोर का। फिर कॉक्सीजियस मसल्स हैं, फिर फेशियल कवरिंग्स ऑफ द मसल्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेवेटर एनाई मसल्स को देख लेते हैं। लेवेटर एनाई मसल जो होता है वो ब्रॉड शीट होती है जिसके आगे से फर्दर सब मसल्स होते हैं। तीन मसल सब मसल्स हैं जो मिलकर लेवेटर एनाई मसल्स बना रहे हैं, ठीक है। और ये जब एक्टिंग टुगेदर एक्ट करते हैं, मिल के काम करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, ये एब्डोमिनल विसरास को एक तो सपोर्ट करते हैं, ठीक है, होल्ड सॉरी पेल्विक विसरास को एक तो होल्ड करके रखते हैं और दूसरा क्या करते हैं कि एब्डोमिनल मसल्स के साथ मिल के फोर्स्ड एक्सपायरेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब इसके तीन सेपरेट कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, प्यूबोकॉक्सीजियस मसल्स हैं, प्यूबोरेक्टेलिस मसल है और इलियोकॉक्सीजियस मसल्स है, ठीक है। ये पेयर्ड मसल्स होते हैं, दोनों बोन्स के ऊपर होते हैं, दोनों इनोमिनेट बोन्स के साथ अटैच्ड होते हैं। अब प्यूबो कॉक्सीजियस मसल जो है सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या है, द मसल फाइबर्स ऑफ प्यूबोकॉक्सीजियस अराइज फ्रॉम द बॉडी ऑफ द प्यूबिक बोन एंड एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द टेंडिनियस आर्च, ठीक है। यहाँ पे देख लें, बॉडी ऑफ द प्यूबिक बोन से निकल रहा है, ठीक। और फिर द फाइबर्स ट्रेवल्स अराउंड द मार्जिन ऑफ द यूरोजेनिटल हायटिस एंड रन पोस्टीरियर मीडियली अटैचिंग एट द कॉक्सिक्स एंड द एनोकॉक्सीजियल लिगामेंट, ठीक है। अब ये पोस्टीरियर मीडियली जा रहे हैं, यहाँ पे इसने यूरोजेनिटल हायटिस को कवर किया है और पीछे जाके कॉक्सिक्स और एनोकॉक्सीजियल लिगामेंट के साथ जाके अटैच हो जाता है। एज द फाइबर्स रन इन्फीरियरली एंड मीडियली सम फाइबर्स डिवाइड एंड लूप अराउंड द प्रोस्टेट इन मेल्स एंड अराउंड वेजाइना इन फीमेल्स, ठीक है। अब कहते हैं कि कुछ फाइबर्स जो हैं वो यूरोजेनिटल हायटिस के उनको ये क्रॉस करके जा रहा होता है, तो वहाँ पे कुछ ऐसे होते हैं जो उसको सराउंड कर लेते हैं, प्रोस्टेट इन मेल को और वेजाइना इन फीमेल्स को। जो मेल के प्रोस्टेट को कवर कर रहे होते हैं फाइबर्स वो कौन से होते हैं, एलिवेटर प्रोस्टेट फाइबर्स, ठीक है। और जो फीमेल में वेजाइना को सराउंड करते हैं वो प्यूबो वेजाइनेलस फाइबर्स होते हैं प्यूबोकॉक्सीजियस मसल के, ठीक है। फिर आपके पास प्यूबोरेक्टेलिस मसल है। प्यूबोरेक्टेलिस मसल इज अ यू शेप्ड स्लिंग एक्सटेंडिंग फ्रॉम द बॉडीज ऑफ द प्यूबिक बोन पास्ट द यूरोजेनिटल हायटिस अराउंड द एनल कैनाल, ठीक है। एक यू शेप्ड है जिसने इस तरह सराउंड किया हुआ इस डायग्राम में जो ग्रीन कलर में नजर आ रहा है। इट्स टॉनिक कंट्रेक्शन बेंड्स द कैनाल एंटीरियरली, ठीक है, क्रिएटिंग द एनोरेक्टल एंगल 90 डिग्रीज एट द एनोरेक्टल जंक्शन वेयर द रेक्टम मीट्स द एनस, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ दिस थिक मसल इज़ टू मेंटेन फीकल कॉन्टिनेंस ड्यूरिंग डेफिकेशन, दिस मसल रिलैक्सेस, ठीक है। मेन फंक्शन क्या है इसका, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये क्या करेगा, फीकल कॉन्टिनेंस को मेंटेन करके रखता है, ठीक है, होल्ड रखता है आपकी फीसिस को। और जब ये रिलैक्स हो जाता है तो फिर आपको डेफिकेशन में हेल्प करता है। फिर उसके बाद इलियोकॉक्सीजियस मसल्स हैं। इलियोकॉक्सीजियस मसल हैज़ अ थिन मसल फाइबर्स, हैज़ थिन मसल फाइबर्स, ठीक है। स्टार्ट्स एंटीरियरली एट द इशियल स्पाइंस, ठीक है, इशियल स्पाइन से स्टार्ट होता है एंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द टेंडिनियस आर्च, और जाके अटैच कहाँ पे होता है, कॉक्सिक्स और एनोकॉक्सीजियल लिगामेंट के साथ जाके अटैच हो जाता है, ठीक है। ये आपके लेवेटर एनाई मसल्स थे। उसके बाद फिर दूसरा मसल जो था वो कॉक्सीजियस मसल था। कॉक्सीजियस मसल जो होता है ये स्मॉलर मसल होता है, ठीक है। द लेवेटर एनाई मसल सिचुएटेड एंटीरियरली, ठीक है, लेवेटर एनाई मसल्स ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, ये उनसे पोस्टीरियरली प्रेजेंट है। इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द इशियल स्पाइंस एंड ट्रेवल्स टू द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द सैक्रम एंड कॉक्सिक्स अलॉन्ग द सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट, ठीक है। सपोर्ट्स द पेल्विक विसरा एंड फ्लेक्सेस द कॉक्सिक्स, ठीक है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या करेगा, एक तो पेल्विक विसरा को सपोर्ट करता है, होल्ड करके रखता है, और दूसरा क्या करता है, कॉक्सिक्स पे फ्लेक्शन कराता है।
ये आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स हो गए। उसके बाद हम पेरिनियम को डिस्कस करते हैं। पेरिनियम असल में क्या होता है, इज़ अ डायमंड शेप्ड एरिया, ठीक है, बाउंडेड डीपली बाय द इन्फीरियर फेशिया ऑफ द पेल्विक डायफ्राम। इसके नीचे इन्फीरियर फेशिया होता है एंड सुपरफिशियली बाय द स्किन, और उस फेशिया के ऊपर पर क्या होता है, स्किन होती है। बाउंड्रीज इसकी कौन कौन सी हैं, अगर एनाटॉमिकल बाउंड्रीज़ को देखें तो एंटीरियरली इसकी प्यूबिक सिम्फिसिस है, एंटीरोलेटरली इशियो प्यूबिक रेमाई है और इशियल ट्यूबरोसिटी है, पोस्टीरियरली कॉक्सिक्स है और पोस्टीरियोलेटरली सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट्स हैं, ठीक है। और अगर सरफेस बॉर्डर्स को देखें या बाउंड्रीज को देखें, तो सरफेस बाउंड्रीज आर बेस्ट शोन व्हेन द लोअर लिम्स आर एब्डक्टेड, ठीक है। जब लोअर लिम्ब को एब्डक्शन में लेके जाते हैं आप दोनों लिम्स को, तो उस टाइम पे आपको उसकी जो डायमंड शेप्ड होती है वो क्लियर नज़र आती है। एंटीरियरली उसमें क्या होता है, मॉन्स प्यूबिस इन फीमेल्स, ठीक है, और बेस ऑफ पीनस इन मेल्स होता है। लेटरली मीडियल सर्फेसिस ऑफ थाइज होता है, और पोस्टीरियरली आपके पास सुपीरियर एंड ऑफ इंटरग्लूटियल क्लेफ्ट होता है, ठीक है। इस डायग्राम में आपको एनाटॉमिकल बॉर्डर्स भी दिखाए हुए हैं और सरफेस बॉर्डर्स भी दिखाए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर इसको जो पेरेनियम का लोअर बॉर्डर पेरेनियम होता है, इसको दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, यूरोजेनिटल ट्राइंगल और एनल ट्राइंगल, ठीक है। और पेरिनियल बॉडी जो होती है वो सेंट्रल पॉइंट ऑफ द पेरिनियम होता है, जिस पॉइंट से दो ट्राइंगल्स निकलती हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लें आप, ग्रीन कलर में यूरोजेनिटल ट्राइंगल दिखाई हुई है और ब्लू कलर में आपकी एनल कैनाल दिखाई हुई है, ठीक है। तो यूरोजेनिटल ट्राइंगल क्या होता है, डीप पाउच होता है, ठीक है, इसके अंदर डीप और सुपरफिशियल पाउचेस होते हैं, ठीक है। और पेरेनियल मेम्ब्रेन जो होती है, इन दोनों पाउचेस के बीच में पेरेनियल मेम्ब्रेन होती है जो दोनों पाउचेस को सेपरेट कर रही होती है, ठीक है। और फिर कहते हैं कि डीप पाउचेस सुपीरियर टू द पेरेनियल मेम्ब्रेन, ठीक है, ऊपर डीप पाउच होगा, बीच में पेरेनियल मेम्ब्रेन है, उसके नीचे सुपरफिशियल पाउच है, ठीक है। रूफ इज पेल्विक फेशिया, और इसके ऊपर क्या होता है, पेल्विक फेशिया होता है। अच्छा, इसके बाद आपके पास डीप पाउच इन मेल है, ठीक है, डीप पाउच इन मेल को डिस्कस करते हैं। तो उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, मेम्ब्रेनस। अच्छा, पहले यहाँ पे देख लें आप, इस डायग्राम में पहले देख लें, डीप पेरेनियल पाउच दिखाया हुआ है पिंक कलर में, ठीक है, उसके ऊपर रेड कलर की पेरेनियल मेम्ब्रेन है, ठीक है। फिर उसके बाद येलो कलर में सुपरफिशियल पेरेनियल पाउच है, ठीक, और फिर ग्रीन कलर में आपके पास डीप पेरेनियल फेशिया है, और फिर ब्लू कलर में क्या है, सुपरफिशियल पेरेनियल फेशिया है, ठीक है। इस तरीके से यूरोजेनिटल ट्रायंगल के अंदर स्ट्रक्चर्स अरेंज होती है। फिर मेल के अंदर अगर हम डीप पाउच देखते हैं, तो उसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होती है, मेम्ब्रेनस पोर्शन ऑफ द यूरिथ्रा, स्पिंचर यूरिथ्रा और एक्सटर्नल स्पिंचर ऑफ द ब्लैडर, पेरेनियल नर्व्स हैं, डीप ट्रांसवर्स पेरेनियल मसल है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स हैं, इंटरनल पेडेंटल आर्टरी एंड ब्रांचेस हैं, और आर्टरी टू बल्ब है, डॉर्सल नर्व ऑफ पीनस है, ब्रांचेज ऑफ पेरेनियल नर्व्स हैं, ठीक है। इसी तरह से डीप पाउच इन फीमेल में कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होती हैं, वेजाइना यूरिथ्रा स्पिंचर यूरिथ्रा एंड एक्सटर्नल स्पिंचर ऑफ द ब्लैडर, ठीक है, जिस तरह से डीप पाउच इन मेल में था, पेरिनियल नर्व्स हैं, डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल है, इंटरनल पुडेंटल आर्टरी है, आर्टरी टू बल्ब है, और डॉर्सल नर्व ऑफ क्लाइटोरिस है, ठीक है। फिर नर्व्स ऑफ पेरेनियम को डिस्कस करते हैं, तो पेडेंडल रीजन इज इनर्वेटेड बाय पेडेंडल नर्व्स, ठीक है, पेडेंडल नर्व्स जो हैं उसको इनर्वेट करती हैं, जो फर्दर आगे से ब्रांचेस देती हैं। कौन कौन सी ब्रांचेस देती हैं, इन्फीरियर रेक्टल नर्व, डॉर्सल नर्व ऑफ द क्लाइटोरस पीनस एंड क्लाइटोरस और पीनस एंड द पेरेनियल नर्व्स, ठीक है। फिर पेरेनियल नर्व्स क्या होती हैं, असल में लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ द पेडेंडल नर्व है, पेरेनियल नर्व सबसे लार्जेस्ट नर्व है पेडेंटल नर्व की, ठीक है। इट गिव्स राइज टू द मस्कुलर सप्लाई ऑफ द ट्रांसवर्स पेरिनाई, ठीक है, इशियो कैवर्नस एंड द बल्बोस पंजेसियस एज वेल एज ब्रांचेस कुटेनियस इनर्वेशन टू द लेबिया या सुक्रोटम, ठीक है। अब कौन कौन से स्ट्रक्चर्स को ये सप्लाई कर रहा है, इशियो कैवर्नस को, बल्बो स्पंजियोसिस को, ठीक है, और इसके अलावा इसकी जो ब्रांचेस हैं वो कुटेनियस इनर्वेशन करती हैं लेबिया को या स्क्रोटम को, ठीक है। उसके बाद इन्फीरियर रेक्टल नर्व्स हैं, तो ये क्या करती हैं, एक्सटर्नल एनल स्पिंचर को सप्लाई करती हैं, और उसके अलावा स्किन को जो कि एनएस और डिस्टल एनल कैनाल के अराउंड है उसको सप्लाई करती है। फिर डॉर्सल नर्व ऑफ द क्लाइटोरस या पीनस है प्रोवाइड न्यूरोनल स्टिमुलेशन टू द कॉर्पस कैवर्नोसा, ठीक है, क्या करती है, न्यूरोनल स्टिमुलेशन करती है कॉर्पस कैवर्नोसा को, ठीक है, जो क्या है, स्पॉन्ज लाइक इरेक्टाइल टिश्यू है पीनस का, ठीक है, और क्लाइटोरिस पे भी ये न्यूरोनल स्टिमुलेशन करती है। थैंक यू सो मच।